सबसे फर्स्ट स्टेप हमें राइस लेना है और एक कंटेनर लेना है, फिर उसमें 5 to 6 स्पून्स राइस डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर हमें राइस को वॉश कर देना है अच्छे से, 2-3 पानी से वॉश कर देना है। अच्छे से वॉश होने के बाद हमें राइस को कुक करना है, इसलिए वो अकॉर्डिंगली पानी डालना है कि पूरा राइस गल जाना चाहिए। जितनी आपके राइस की क्वांटिटी होगी उतना ही पानी डालना है और स्टार्टिंग में राइस को हाई फ्लेम में रखना है और उसके बाद फिर धीमी आंच पे रख देना है और कंटेनर के ऊपर ढक्कन ढक देना है जिससे राइस अच्छे से कुक हो जाए। राइस ऑलमोस्ट कुक हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा ही राइस कुक करना है आप लोगों को, उस वजह से हमारी क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा राइस हो गया है और मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। राइस ठंडा हो चुका है, मैंने इसलिए राइस ठंडा किया है क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के टाइम पे कभी भी मिक्सर फट सकता है, इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कभी भी गर्म ग्राइंड ना करें और अच्छे से इसकी फाइन पेस्ट बना दीजिए। सो, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइन पेस्ट बन गई है। सो, हमें इसको अभी छानना है बहुत अच्छी तरीके से, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट बने और जो भी गंदगी अगर होगी तो वो भी पूरी निकल जाएगी। वैसे तो नहीं रहती है, बट इनकेस अगर रहती होगी तो वो निकल जाएगी, जिससे हमारी स्किन को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो, जैसे कि आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको फाइन पेस्ट कर रही हूँ, पूरी क्रीमी टेक्सचर बन रहा है उसका। सो, हमारी हाफ क्रीम बन चुकी है। सो, हम अभी आगे के प्रोसेस करेंगे जिस वजह से हमारे स्किन में और अच्छा ग्लो आएगा। सो, हम थोड़ा सा आलमंड ऑयल लेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ही आलमंड ऑयल लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। पूरा प्रॉपरली मिक्स हो जाना चाहिए, वैसा कुछ अच्छे से मिक्स करना है आपको। फिर उसमें हमें रॉ मिल्क डालना है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, जितनी हमारी क्वांटिटी है उतना ही, और फिर उसे भी बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे तरीके से पूरा मिक्सचर हो जाना चाहिए, वो हिसाब से हमें वो पेस्ट को मिल्क में मिक्स कर देना है। सो, हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी फाइन क्रीम बन चुकी है, बहुत अच्छे से फाइनली हमने उसको बनाया है। फिर हमें एक कंटेनर लेना है जो एयर टाइट कंटेनर है, उसमें हमें ये पूरी क्रीम भर देनी है। बहुत अच्छी तरीके से उसको फिल कर देना है, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए वो अकॉर्डिंगली हमको कंटेनर लेके उसमें भर देना है। ये क्रीम हम पूरे बॉडी पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे लगा सकते हैं, एल्बोस पे लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका ब्लैक है वहाँ वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मेरा कंटेनर पूरा फुल हो चुका है, सो मुझे 10 दिनों की पूरी फुर्सत है। सो, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे क्रीम का टेक्सचर बहुत ज़्यादा फाइन है। हे गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरी क्रीम बन गई है और मैंने एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करके रख दिया है। सो, अभी हम उसको अप्लाई करेंगे फेस पे। होममेड क्रीम, उसे हमें लगा के रखना है 45 मिनट्स तक। आप ये डे में भी कर सकते हो और नाइट में भी कर सकते हो, आपके इच्छा के अनुसार। 45 मिनट्स लगा के पूरे फेस पे लगा के रखना है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, होममेड इंग्रेडिएंट्स है, जिस वजह से आपको दिक्कत नहीं होगी। और आपको ये क्रीम 10 डेज तक फ्रिज में रखनी है, बाहर नहीं रखनी है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इस वजह से हमको फ्रिज में रखना है। जिसकी क्रीम्स में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो क्रीम हम बाहर रखते हैं, इस वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, बट ये क्रीम में कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसलिए हमको ये क्रीम फ्रिज में रखनी रहती है। सो, फुल फेस को अप्लाई करने के बाद नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। मिनट्स तक छोड़ देना है ये क्रीम को अच्छे से। सो, मेरे 45 मिनट्स हो चुके हैं, अभी मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। सो, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। मैं ये डेली करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की।
सो गाइज, मैंने मेरा फेस वॉश कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैंने मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है क्योंकि गरज ही नहीं पड़ती है मॉइस्चराइजर लगाने की, क्योंकि उसमें मैंने आलमंड ऑयल डाला है, उसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क डाला है जो स्किन वाइटनिंग का काम करता है और नरिशमेंट का भी काम करता है। सो आप भी ये क्रीम बनाओ और अपने फेस पे लगाओ और मुझे रिव्यू करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको इस क्रीम के क्या क्या फायदे हुए। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल। थैंक यू।